हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी सीख ली थी। मिनिमम मोलर मास का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो रहेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, इस तरीके से उनके रिलेशन और उनके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, ये चीज़ें हम कर पाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो, लिखो एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला को मैं EF लिखा करूँगा एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर मोलिकुलर फॉर्मूला, जिसको मैं क्या लिखूँगा, MF लिखूँगा। ठीक है ना, मेरे पास दो फॉर्मूला है, एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला और एक होता है मोलिकुलर फॉर्मूला। आपको मैं छोटी छोटी चीज़ों से समझाता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा है एक हाइड्रोजन परोक्साइड H2O2, ये एक मोलिकुलर फॉर्मूला है। अगर मैं इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनाता हूँ, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो में अगर मैं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को लेता हूँ, तो ये 2:2 रेशियो में है, तो ये तो मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला है। और अगर इसके सिंपलेस्ट रेशियो में इसको बनाएंगे तो क्या होगा, HO, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक जैसे और लिखा मैंने, ये लिखा मैंने, जैसे सिंपल है मेरे पास ग्लूकोज है, C6H12O6, ये तो क्या है मेरे पास ग्लूकोज, और ग्लूकोज का ये क्या होता है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखता हूँ तो मेरे हिसाब से क्या बन जाएगा, C6 का अगर हम C और यहाँ पे H2 और O, दिस इज माई एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है ना, तो मतलब जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ना, जो सिंबॉलिक फॉर्म में किसी भी कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो तो क्या होता है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला। और अगर कंपाउंड्स को एक सिंपलेस्ट रेशियो में, मतलब सबसे लोएस्ट रेशियो में अगर जो लिखा जाता है ना, तो वो क्या होता है, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला क्या होता है वो चीज़ नोट करें। ठीक है ना, ये मेरे हिसाब से समझ गई होगी, मिटा दूँ। देखो यहाँ पे लिखा मैंने, सबसे पहले आप क्या लिखना स्टार्ट करो कि ये फॉर्मूला जो है ना, ये क्या होता है फॉर्मूला, और इसकी क्या करो आप डेफिनेशन लिख लो फॉर्मूला की। लिखो इट इज द ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ इट इज द ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंट्स वन मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज इट रिप्रेजेंट केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस, इट रिप्रेजेंट द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को हम उसके सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखें, तो उस फॉर्मूला को क्या बोल देते हैं ना, उस सिंबॉलिक फॉर्म जो बनती है उसी का नाम क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला के बाद सबसे पहले आप क्या लिख लो, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या लिखोगे आप, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन लिख लो, फॉर्मूला विच डिनोट्स सिंपल रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो में होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बताया है ना। ठीक है ना, एक बार आप इसका मोलिकुलर फॉर्मूला और लिख लो,
फिर हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। मोलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है ना वो रियल होता है, और उसी का मैं सिंपलेस्ट अगर बना देता हूँ तो वो मेरा क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो आप, फॉर्मूला विच डिनोट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, विच डिनोट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ग्लूकोज, बता चुका आपको C6 ग्लूकोज का मैं दो तरीके से बनाता हूँ, ये लो। एक तो लिखता हूँ मोलिकुलर फॉर्मूला जो एग्जैक्ट होता है C6H12O6, एक लिखता हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूला जो इसका सिंपलेस्ट रेशियो होता है, 6 की जगह अगर मैं 1 करूँ तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा CH2O, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक मैंने हाइड्रोजन परोक्साइड का लिया था, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं हाइड्रोजन परोक्साइड, इसके भी मैंने दो बनाए, एक तो बनाया मोलिकुलर फॉर्मूला जो क्या था H2O2, एक लिखा मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला जो क्या था HO। एक और लेता हूँ जैसे मैं H2O वाटर लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा मैंने वाटर, वाटर के भी बनाया मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या बना H2O। अब इसका सिंपलेस्ट क्या बनेगा, अगर मैं इसका 1 ले लेता हूँ तो इसका हाफ लेना पड़ेगा, हाफ सिंपलेस्ट होता नहीं है, होल नंबर में होना चाहिए। तो यही इसका एम्पिरिकल है और यही इसका क्या है रियल है, मीन्स मोलिकुलर फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो भी क्या बना H2O बना। मेरे हिसाब से एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला जो है ना इनका क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात है, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो तो मेरा क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला, अगर उसी का मैं सिंपलेस्ट अगर फॉर्मूला बना देता हूँ तो एम्पिरिकल फॉर्मूला, अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जो पहले ही सिंपलेस्ट में है तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है सेम होता है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो अगले नीचे लिखो रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, आगे नीचे क्या लिखोगे रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन होता है। देखो सबसे पहले बात सुनो, जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है उसका ये रिलेशन होता है एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये हमें याद रखना है, एक एक के बारे में हम क्या करेंगे डिस्कस। ये सबसे पहली बात तो है कि ये एन क्या है, जो एन जो है ना एन क्या है एक इंटीजर है, एन क्या है एक इंटीजर है, और एन को मैं निकाल के बताता हूँ आपको क्या होता है एन। ऊपर तो लिखा करूँगा मैं मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला, देखो यहाँ पे तो लिखा करूँगा मैं, मुझे मोलर मास मोलिकुलर मास निकालना है, ठीक है ना, मोलिकुलर मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मोलिकुलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। इन दोनों का जो रेशियो होता है ना वो एन होता है, जैसे एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे मेरे पास ग्लूकोज ही है C6H12O6, ये इसका क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला, अगर मैं इसका मास निकालूंगा तो मास को मैं क्या बोलूँगा मोलिकुलर फॉर्मूला मास, एम मोलिकुलर मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एम एम एफ हुआ मोलिकुलर
मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला, तो जो मेरे पास कितना आया, इसको अगर आप इसका मोलिकुलर वेट देखोगे ना तो 180 होता है, याद ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये इसका क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला, अगर मैं इसका EF निकालता हूँ तो मुझे पता है CH2O होगा, अगर मैं इसका मास निकालता हूँ तो उसको क्या बोलेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ एम्पीरिकल फॉर्मूला। तो ये कितना हुआ, 12 और 2 14, 14 और 16 कितना हो गया 30, तो ये मेरे पास कितना आ गया 30 आ गया। तो अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है तो 180 डिवाइडेड बाई 30 कितना आ गया 6, ठीक है ना। अब देखो अगर मेरे पास 6 n की वैल्यू है और ये मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो अगर मैं इसको इस 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, C6H12O6, तो मेरा क्या आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम क्या निकाल देते हैं, n की वैल्यू इसके अंदर निकाल देते हैं, कि जो भी हम n की वैल्यू निकालते हैं वो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है उसका मास, और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका मास, उन दोनों का क्या होता है रेशियो होता है। ऊपर मोलिकुलर मास किसका लिखेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला, नीचे लिखेंगे मोलिकुलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। और अब आप क्या करो, एक क्वेश्चन लिख लो, लिखो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन। हमें नहीं पता इनका क्या फॉर्मूला है, इज सी एच दे रखा है, दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है सी एच है। हो सकता है किसी का यहाँ पे 5 लगाऊँ तो C5H5 हो जाए, 10 लगाऊँ तो C10H10 हो जाए, 15 लगाऊँ तो कुछ भी लगा सकता हूँ, पता नहीं n की वैल्यू कितना है। ये तो क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला है, हो सकता है इसके केस में इसका n अलग हो, इसके केस में n अलग हो, तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, ठीक है ना। आगे लिखो, इफ मोलिकुलर मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला, इफ मोलिकुलर मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन इज 26, इसका तो मोलिकुलर मास ऑफ MF कितना दे दिया 26, और इसका मोलिकुलर मास ऑफ MF कितना दे दिया 78, दोनों का अलग अलग दे दिया। देखो क्या मैं इसका एम्पिरिकल मास निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, कैसे निकालूंगा, 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया, 13 क्या है इसका मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका भी क्या हुआ मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना हुआ 13, मोलिकुलर मास कितना है इसका 26, तो क्या मैं यहाँ पे n निकाल सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे n निकाल सकता हूँ, लेकिन आगे लिखो सवाल ने क्या किया है, रेस्पेक्टिवली 26 एंड 78 रेस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन। आपको पता है कि भाई मोलिकुलर फॉर्मूला इसका पूछा है, जो मुझे फॉर्मूला पता है EF, क्या मेरे पास EF है इसका CH है, क्या निकालना है N, बिल्कुल क्लियर है, दोनों के लिए सेम बात है। अब सुनो, क्या मेरे पास N निकालने का फॉर्मूला, मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला, नीचे क्या लिखूं, मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये मेरे पास गिवन है कितना 26, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना हो जाएगा, अगर इसका मैं मास अगर देखूं तो मेरे पास कितना हुआ 13, कितना हो गया n की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH, तो क्या हुआ C2H2, ये मेरे पास एसिटिलीन का फॉर्मूला। अगर मैं बेंजीन की बात करता हूँ तो सेम बात है, यहाँ पे इन केस ऑफ बेंजीन
एन की वैल्यू निकालूंगा। मोलिकुलर फॉर्मूला तो दे रखा है 78, एम्पिरिकल मास दोनों का सेम ही है 13, एन की वैल्यू कितनी आई 6 आई, तो क्या इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हुआ 6 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला CH C6H6, ठीक है ना। अगर देखना भी चाहते हो तो आप इनका मोलिकुलर मास दोबारा देख लो, कितना हो गया 12 दूनी 24 और 2 26, इसका देख लो 12 को 6 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 72, 6 और जोड़ दो कितना हो गया 78, ये इसका मोलिकुलर मास दे रखा है। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला जो है ना किस तरीके से आपस में रिलेट करते हैं, तो ये वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। उसके बाद लिखो आप डिटर्मिनेशन ऑफ, अगला टॉपिक बना करके एडिंग बना लो और फिर अलग से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है विद द हेल्प ऑफ गिवन परसेंट ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड। क्या है टॉपिक, सुनो मेरी बात। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया जिसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी थी, मतलब अगर मेरे पास अलग अलग एलिमेंट की अगर मेरे पास क्या हो परसेंट दी हुई हो, अगर अलग अलग की अगर मेरे पास परसेंट है तो सिंपल सी बात है मुझे क्या करना है, उन परसेंट के आधार पर क्या करना है, मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। अगर मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया कुछ नहीं करना मुझे, अगर एन दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम एन निकाल लेंगे, उससे हम क्या निकाल सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। कहने का मतलब है कि मुझे परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट की मिलेगी, मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं आपको कुछ स्टेप्स इसके बता रहे हैं। हर सवाल के अंदर आप लोगों को इस तरीके से क्या करना होगा, कुछ पॉइंट्स बनाने होंगे, कुछ ब्लॉक बनाने होंगे। वो क्या ब्लॉक है, सबसे पहला है एलिमेंट का हमें एक खाना बनाना पड़ेगा यहाँ पे, एलिमेंट। हर सवाल में इस तरीके से करेंगे कि जो भी एलिमेंट है उसका एक हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक खाना बनाना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की परसेंटेज दी हुई होती है वो हमें लिखनी पड़ेगी, या फिर कई बार नहीं दिया हुआ होता है, परसेंटेज नहीं दी हुई होती है तो क्या है, वेट रेशियो मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ, और क्या लिखूँ, वेट बाई वेट रेशियो हमें सवाल में दिया हुआ होगा, इसीलिए मैंने और में लिखवाया, क्योंकि कईयों में परसेंटेज कंपोजिशन नहीं लिखी हुई होती है ना, तो मुझे वेट के हिसाब से ले लेना है, तो उसका वेट बाई वेट रेशियो लिखा मिलेगा। एक परसेंटेज यहाँ पे जो तीसरा हमारा जो खाना बनेगा वो बनेगा परसेंटेज ऑफ एम, तो जो भी हमारे पास एटॉमिक मास है परसेंटेज, या फिर एटॉमिक परसेंटेज ओब्लिक एटॉमिक मास लिख रहा हूँ मैं, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, मुझे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट मिलेगा, ठीक है ना। जो परसेंटेज दी हुई है उसको एटॉमिक मास से मैं डिवाइड करूँगा, ये डिवाइड का निशान है, देखो परसेंटेज यहाँ पे दी हुई है, जो भी एलिमेंट होगा उसका मुझे एटॉमिक मास गिवन होगा, मैं उस परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करूँगा, तो ये चीज़ मेरे पास क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे क्या बन जाएगा इसको मैं यहाँ पे, ये सारा चीज़ यानी यहाँ पे बनेगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, इनको नोट कर लो सभी को, है ना। ये मेरे पास तीसरा खाना बन गया है। उसके बाद मुझे रिलेटिव रेशियो ऑफ एलिमेंट निकालना है, जिसको मैं RR भी कहूँगा, रिलेटिव रेशियो, ठीक है ना, इसको मैं क्या कहूँगा RR, ये मुझे निकालना है रिलेटिव रेशियो। और ये कैसे निकालना है मैं बता दूंगा, लोवेस्ट वैल्यू को से डिवाइड करना, जो इनकी जो वैल्यू आएगी ना उनके अंदर जो सबसे लोवेस्ट है ना
उसको सभी से डिवाइड कर दूँ, मैं बता दूंगा यहाँ पे किस तरीके से आएगी। और यहाँ पे जो हमारा लास्ट जो बनेगा लोएस्ट नंबर इनटू आरआर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ लोएस्ट नंबर इनटू आरआर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। या फिर इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको ये भी कह सकता हूँ सिंपलेस्ट रेशियो भी कह सकता हूँ। देखो ये इस तरीके से मैंने हर सवाल के अंदर ये मेरे क्या बनेंगे, एक दो ये जो खाने बनेंगे, सबसे पहले इनको आप क्या कर लो, अच्छे से नोट कर लो कि मुझे इस तरीके से खाने बनाने पड़ेंगे हर सवाल के। देखो क्या होगा, कोई भी सवाल है उसके मुझे एलिमेंट लिखे हुए मिलेंगे, जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीन मिल गए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लिख दिया। यहाँ पे उनकी परसेंटेज लिखी हुई है तो परसेंटेज लिख दूंगा तुरंत यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो फिर उनका क्या मिलेगा, वेट रेशियो मिलेगा, वो लिख दूंगा। परसेंटेज आ गई, क्या मुझे कार्बन का एटॉमिक वेट पता है, हाइड्रोजन का पता है, ऑक्सीजन का पता है, इस परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे। ये खाना हो गया मेरा पूरा कंप्लीट। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ पे, इनमें देखूँगा मैं कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सपोज करो एक वन है, एक पॉइंट फाइव है, एक पॉइंट फाइव है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, पॉइंट फाइव। पॉइंट फाइव से सभी को डिवाइड करूँगा, वन को पॉइंट फाइव से डिवाइड, पॉइंट फाइव को पॉइंट फाइव से डिवाइड, पॉइंट फाइव को पॉइंट फाइव से डिवाइड, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर ये वाली वैल्यू अगर मेरी क्या है होल नंबर है, तो मुझे ये वाला जो लास्ट वाला जो है ना ये ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला मेरा कब यूज़ करूँगा, सपोज करो यहाँ पे 1.5 आ जाए, ठीक है ना, यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे भी क्या है 1.5, तो उसे मुझे होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए करना है। अब 1.5 है, अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 हो जाएगा, तो मुझे सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरा क्या बन जाए, सिंपलेस्ट रेशियो बन जाए। सपोज करो यहाँ पे कार्बन 3 आया, नहीं कार्बन 6 आया, हाइड्रोजन 12 आया, और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना, C6H12O6, इस तरीके से क्या बना लूँगा मैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला बना लूँगा। समझे कि नहीं, एक क्वेश्चन लिख लो, ए हाइड्रोकार्बन कंटेन्स, कोई हाइड्रोकार्बन है, ए हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% कार्बन, इफ मोलिकुलर फॉर्मूला मास, इफ मोलिकुलर फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 30, मोलिकुलर मास कितना है 30 है, देन कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका मतलब नहीं हाइड्रोजन और कार्बन, इसका मतलब एक मेरे पास कार्बन है और दूसरा मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ये बात क्लियर हो चुकी, मेरे पास केवल एलिमेंट दो ही है, ठीक है। देखो कार्बन की कितनी परसेंट लिखी हुई है, 80, तो ये हमें पता लगा कितना है, 20। अच्छा कार्बन का जो एटॉमिक वेट कितना है, 12 है, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो, 80/12, यहाँ पे निकालूंगा तो बोलो क्या हो गया, 20/1 इज इक्वल टू, अगर मैं 80 को 12 से मैंने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 20/3, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 20/3, और यहाँ पे क्या है, 20/1। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है, 20/3 है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं 20/3 से डिवाइड करूँगा, इसको भी मैं 20/3 से डिवाइड करूँगा, तो इसको 20/3 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास बोलो, 20/3 / 20/3 = 1। इसको क्या करूँगा, 20 ये तो है, इसको डिवाइड किससे करूँगा, 20/3 से, तो ये 20 से 20 कट जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। जब ये मेरे पास सिंपलेस्ट रेशियो है ही पहले से ही है,
तो मुझे इनको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला खाना मेरा कब यूज में आता, जब यहाँ पे 1.2 लिखा होता, 1.9 कुछ भी लिखा होता, होल नंबर नहीं होता, तो मुझे होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए था। अब मेरे पास जो एम्पीरिकल फॉर्मूला बना वो ये बना मेरे पास, इन दोनों को ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1 और 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखूँगा मैं एम्पीरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू CH3, ये मेरे पास एम्पीरिकल फॉर्मूला बन गया। अगर मैं इसका मास निकालूं, इसका क्या निकालूं, मास ऑफ एम्पीरिकल फॉर्मूला, 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। क्या मेरे पास मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला सवाल में दे रखा है 30, क्या मैं एन की वैल्यू निकाल लूँ, 30/15 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। एक तो मेरा आंसर क्या हो गया, एक तो मेरा आंसर ये हो गया क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला, दूसरा आंसर क्या हुआ, मोलिकुलर फॉर्मूला, कितना एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, एन की वैल्यू कितनी है 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH3, तो मेरा फॉर्मूला क्या बड़ा C2H6, दिस इज माई आंसर। बड़े सिंपल है, बहुत सिंपल है, एक बार आपने इनको अच्छे से समझ लिया ना तो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हैं। इसको नोट कर लो आप, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं ना। नोट कर लिया होगा, देखो लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक कंपाउंड ऑफ कार्बन कोमा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन कोमा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन्स 52.2% कार्बन एंड 13% ऑफ हाइड्रोजन डिटरमाइन एम्पीरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, डिटरमाइन एम्पीरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये मेरे पास इसका क्या बताना है, मुझे एम्पीरिकल फॉर्मूला बताना। अब देखो इन्होंने तीन मेरे पास हैं, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक मेरे पास ऑक्सीजन है, लेकिन परसेंटेज जो है ना 2 की दे रखी है, तो 100 में से दोनों का जोड़ घटा लेंगे तो मेरे पास किसकी आ जाएगी, ऑक्सीजन की आ जाएगी। एक तो मेरे पास कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन है, दूसरा मेरे पास हाइड्रोजन है, तीसरा मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन। इसकी परसेंटेज 52.2% है, हाइड्रोजन की 13% है, दोनों को जोड़ करके अगर हम तीसरे में घटाएंगे ना तो तीसरे की आ जाएगी 34.8%। सिंपल है, परसेंट को कितने से डिवाइड करना है मुझे बोलो, 52.2 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूँ बोलो, 13/1, बोलो यहाँ पे क्या लिखूँ, 34.8 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, इसका आ जाएगा 4.35, इसका कितना आ गया। अब देखो जब आपको पता है कि 4.35 है, ये दोनों मिलते हुए आपको नज़र आएंगे, है ना, जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 13.3 के लगभग हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसी हिसाब से हम इसको कर देंगे। तो ये भी हमारे पास लगभग कितना बनेगा ये आपको पता है, जो इनसे ही डिवाइड होने वाला है, तो आपको पता है 16 2 जा 32, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट कितना बन जाएगा, 17। अब ये और ये भी दोनों आपस में क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आइडिया हो जाता हमें इससे। और उसके बाद में क्या है, यहाँ पे सबसे सिंपल हमें रेशियो निकालना पड़ता है, रिलेटिव रेशियो, तो सबसे छोटा कौन सा, ये इसको डिवाइड करूँगा सभी से, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, 4.35 डिवाइडेड बाई 2.17, कितने पे गया, 2 पे, 13 डिवाइडेड बाई 2.17 कितने पे गया, 6, यहाँ पे क्या गया, 2.17 डिवाइडेड बाई 2.17 कितने पे गया, 1, इसका भी मेरे पास रेशियो कितना हुआ, 2, 6 और 1। तो मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या बना बोलो, एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ,
एम्पीरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 और एक क्या बना मेरे पास ऑक्सीजन, दिस इज माय आंसर। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से आपने एम्पीरिकल फॉर्मूला निकालना सीख लिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, चलो लिखो लिखो एक कंपाउंड ऑफ, अगला जो क्वेश्चन है ये अगर नोट कर लिए है ना तो अगला क्वेश्चन लिखो, एक कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम को क्या लिखते हैं सी आर, क्रोमियम कोमा पोटेशियम, पोटेशियम का क्या सिंबल होता है के, 20 तक तो याद होंगे ना, 10th में याद किए होंगे, एंड ऑक्सीजन कंटेन्स 26.6% 26.6% के मीन्स पोटेशियम एंड 38% ऑफ ऑक्सीजन, 38% ऑफ ऑक्सीजन इफ मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 294, मोलर मास दे दिया है, देन कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला, देन कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो परसेंटेज दे रखी है, क्या मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लूँगा, जब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लूँगा तो क्या मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लूँगा, मोलिकुलर फॉर्मूला का मास सवाल में गिवन है, क्या मैं एन निकाल लूँगा, बिल्कुल, एन को मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा एम्पिरिकल फॉर्मूला से, क्या जाएगा मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको देख लो यहाँ पे सिंपल सा है, इसमें भी कोई मुश्किल वाली चीज़ें नहीं हैं, और इसकी जो कैलकुलेशन होती है ना वो सिंपल ही कैलकुलेशन होती है, आपसे कोई गुणा भाग नहीं पूछना चाहता कि बड़े टेढ़े मेढ़े आप लोगों को गुणा भाग दे दिए, नहीं, आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है कि आपको ये चीज़ें आती भी हैं या नहीं आती हैं। मेरे पास एलिमेंट है, एक तो क्रोमियम है, एक पोटाशियम है और एक क्या है मेरे पास ऑक्सीजन है, ये तीन मेरे पास है ना। तो क्रोमियम कितना है मेरे पास, इसकी परसेंटेज 30 कितनी है, 5.4 है, कितनी है, 5.4 की तो लिखी भी नहीं थी ना, पोटाशियम की और ऑक्सीजन की है, तो ऑक्सीजन की तो कितनी है 38, पोटाशियम की कितनी है 30, कितनी लिखी हुई है 26.6, इसमें से अपने आप ही माइनस होकर के, अरे इन दोनों को जोड़ करके 100 में से घटा दिया हमने, यहाँ पे आ जाए परसेंटेज कितनी है 35.4, डिवाइड किससे करूँ, क्रोमियम का जो एटॉमिक मास कितना होता है क्रोमियम का 52 सोल्व करेंगे, यहाँ पे 26/6 डिवाइडेड बाई 39 सोल्व करेंगे, 38 डिवाइडेड बाई 16 यहाँ पे क्या करेंगे सोल्व, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, 2/3 का मतलब 0.68 आ जाएगा, यहाँ पे भी आएगा 2/3 इज इक्वल टू 0.68, आप करके देख लेना इनको गुणा भाग है ना, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2.4, सबसे छोटा कौन सा है 0.86, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.68 आएगा, डिवाइडेड बाई 0.68 इज इक्वल टू 1, 0.68 डिवाइडेड बाई 0.68 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या आया 2.4 डिवाइडेड बाई 0.68 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ जाएगा 3.5। अब देखो यहाँ पे क्या नहीं है, ये सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है, होल नंबर में नहीं है, तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल, तो सभी को क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो इसका एम्पीरिकल फॉर्मूला क्या बना, एम्पीरिकल फॉर्मूला K कितना है मेरे पास 2, K2, C कितना है मेरे पास 2, Cr2, ऑक्सीजन कितना है मेरे पास 7, इस ये बन गया मेरे पास K2 Cr2 O7
और एक बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑरेंज कलर का, इसका नाम होता है पोटासियम डाइक्रोमेट। क्या नाम होता है? पोटासियम डाइक्रोमेट। अब देखो, क्या मैं इसका एम्पीरिकल फॉर्मूला मास निकालूं, करके देखोगे 294 ही आएगा, और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला मास भी कितना है? 294 है। तो n की वैल्यू कितनी आई? 1। इसका मतलब जिसकी n की वैल्यू 1 है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी और एम्पीरिकल फॉर्मूला भी दोनों के दोनों क्या है? सेम है। ठीक है ना? तो आ गए होंगे मेरे हिसाब से खूब अच्छे से सवाल, और करवा दो प्रैक्टिस। बोलो, एक सवाल और लिख लो। देखो, एक कंपाउंड ऑफ, ये लास्ट है इसका, ठीक है ना, एक कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन्स दिस एलिमेंट इन द वेट रेशियो। ये वेट रेशियो का क्वेश्चन बोल देता हूं मैं। दिस एलिमेंट इन द वेट रेशियो ऑफ 9:1:3.5। क्या है रेशियो? इनका वेट रेशियो दे रखा है 9:1:3.5। इफ मोलिकुलर फॉर्मूला मास इज, इफ मोलिकुलर फॉर्मूला मास इज 108, देन कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला MF ऑफ द कंपाउंड। क्या निकालना है मुझे? MF ऑफ द कंपाउंड, मोलिकुलर फॉर्मूला। कुछ नहीं करना, हर में परसेंटेज दी हुई थी, अब की बार मैंने क्या दे दिया? वेट रेशियो दे दिया, तो क्या है? वेट रेशियो लिख देंगे, बस कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? बड़ा सिंपल रहेगा ये भी सवाल हमारे लिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले मेरे पास कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, और इनका रेशियो कितना है? 9:1:3.5। ठीक है ना? अब इनके देखो, सेम का सेम करना है, 9/12, 1/1, 3.5/14, ये सभी की वैल्यू जो है ना, ये हम क्या कर लेंगे, ये 3/4 आ जाएगी यहाँ पे तो मेरे पास। ठीक है, ये 1 आ जाएगी, ये कितनी बार आ जाएगी मेरे पास? 1/4 आ जाएगी। ठीक है ना? तो अगर सबसे छोटा देखा जाए तो क्या है? 1/4 है। तीनों को 1/4 से क्या करूँगा? डिवाइड कर देता हूँ। तो 1/4 से डिवाइड करूँगा इसको, 1/4 से 4 कट जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। एक का 3 आए, एक का 4 आए, एक का 1। होल नंबर रेशियो है 3 है, 4 है, 1 है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ बोलो? एम्पिरिकल फॉर्मूला C3H कितने हैं? 4। एक क्या है? नाइट्रोजन। ये मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अगर मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना है, कार्बन कितने हैं? 3, 12 थी, कितने हो गए? 36, और 4 कितने हो गए? 40, और नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 14, 40 और 14 कितना हो गया? 54 हो गया। क्या मोलिकुलर फॉर्मूला मास दे रखा है? 108। क्या मेरे पास n की वैल्यू कितनी आई? 108/54=2। तो क्या मैं मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल दूंगा? 2×C3H4N, तो क्या हुआ बोलो? C6H8N2, दिस इज माई मोलिकुलर फॉर्मूला। ये मेरा क्या हो गया? मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना? तो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला के अंदर क्या रिलेशन है, किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से परसेंटेज दी हुई है, और क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, क्या मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, मेरे हिसाब से खूब अच्छे से सीख लिया है। और इस लेक्चर में इतना ही है, और बाकी हम बात